आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति के सिरमौर रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान लगभग 5 बार यहाँ से रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं। सन 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो बाग के बाद की जो बागडोर है वो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर संभाली थी। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान लगातार 5 बार यहाँ से सांसद रहे थे। लगभग 18 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया है, लेकिन अब कांग्रेस को यहाँ पर बहुत मजबूत कैंडिडेट का सामना करना पड़ेगा। अब कांग्रेस को भी यहाँ सोचना पड़ेगा कि किस प्रत्याशी को वो मैदान में उतारें। हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का एक नाम पांव पांव वाले भैया भी है। शिवराज सिंह चौहान के जब इस शुरुआती दौर की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी से रायसेन तक साइकिल से आ जाते थे, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे संसदीय क्षेत्र को अपने पैरों से चल चल कर नाप दिया है। इस कारण उनका नाम पांव पांव वाले भैया भी पड़ा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से रायसेन जिले की बात करते हैं तो रायसेन और विदिशा जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनमें एक बार फिर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं इस रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, सीट की बात करते हैं, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यहाँ से चुनाव जीत कर प्रदेश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। अगर बात करते हैं सुषमा स्वराज भी यहाँ से जीतकर विदेश मंत्री बनी थी। तो अब एक बार कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में ले जाने की तैयारी है। इस बार फिर उनको यहाँ से रायसेन विदिशा संसदीय सीट से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस के लिए अब ये सोचना होगा कि हम किसको शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले उतार पाएं ताकि मुकाबला कड़ा हो पाए। ये तो देखने में बात कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन बात करते हैं रायसेन जिले की, अगर बात करते हैं विदिशा की बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन।